आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रही तस्वीरें ओल्ड फरीदाबाद सब्जी मार्केट की हैं, जहां पर सब्जी और फल विक्रेता रेहड़ी पटरी वालों ने मीडिया के सामने इस कोरोना महामारी में अपनी लाचारी बताते हुए कहा कि वो अपने बच्चों का पेट पालने में लाचार नजर आ रहे हैं। उन्हें 2 जून की रोटी जुटाने के लिए उन्हें पुलिस की लाठियां खानी पड़ती हैं, क्योंकि प्रशासन ने थोक विक्रेताओं के लिए तो समय सीमा और जगह निर्धारित की हुई है, लेकिन रेहड़ी पटरी वालों के लिए कोई समय सीमा और जगह निर्धारित नहीं की है, जिसके चलते पुलिस उनके रेहड़ियों को नहीं लगने देती और अगर कोई लगाता है तो उसे पुलिस की लाठियां खानी पड़ती हैं। आइए सुनाते हैं क्या कहना है मजबूर और लाचार रेहड़ी वालों का। कहीं रोड तो भी नहीं लगने दे रहे, कहीं ना दे रहे लगने। क्या कोई क्या करते आप, कौन रेहड़ी लगाते हुए? रेहड़ी लगा रहे। क्या कोई समय सीमा निर्धारित किया गया आपका? कुछ भी ना भाभी। कितना कमाते हो आप? कहाँ 100, 200, 150 कमाते, उसने भी लठ मार खाया था। कोरोना काल चल रहा है, कैसे परिवार का गुजारा कर पा रहे हैं आप? गुजारा कहाँ हो रहा है, बच्चे तो रोड पे आ गए, सारे बच्चे बेधनक रहे हैं, खाने पीने काफ़ी दिक्कत है आपको? बहुत दिक्कत हो रही है। बस प्रशासन से क्या अपील करना चाहेंगे आप? प्रशासन से यही कह रहे कि कहीं लगवा दो, दुकान लग जाए कहीं पे, रोड पे ना लगे तो थोड़े साइड में लगवा दो, लट से देखो सारे गोर हाथ। कोई समय सीमा निर्धारित? कोई नहीं, कुछ नहीं दे रहा। पुलिस किस तरीका से पेश आती है आपके साथ? पूरी तरह से आते, धन बरसाने लगते, पुलिस झंडे से मारती है। यही कमाने खाने में दिक्कत है, कोरोना के लॉकडाउन चलते हुए पुलिस भगाती है, मारती है, कांटे वटे उठा के ले जा रहे हैं। पुलिस किस प्रकार परेशान कर रहे हैं आप? सब्जी तो रोड पे ही बिकती है, कोई अंदर तो बिकती नहीं है, रोड पे खड़े होते हैं, ये मारते हैं, भगाते हैं। कितना कमाते हो दिन में? कमाई कहाँ है जी, लॉकडाउन में 2-3 घंटे दुकान लगती है। कैसे गुजर बसर चल रहा है परिवार? बहुत बुरी तरह, अगर गुजर बसर बढ़िया होती तो हम पुलिस के डंडे नहीं खाते, रोड पे खड़े नहीं होते। तो क्या कोई समय सीमा निर्धारित की गई है आपके रेडी पटरी में? मंडी के लिए, थोक मंडी के लिए सुबह 10 बजे तक। परेशानी हो रहा है, प्रशासन इधर भागा दौड़ी करके भगा देते हैं, और परेशान गरीब आदमी क्या कमाए खाएंगे, ये प्रदेश आए हैं बिहार छोड़ के, घर द्वार छोड़ के, बच्चे को छोड़ के यहाँ पर हैं, और परेशानी हुई है। क्या कोई आपका समय सीमा निर्धारित की गई है मंडी पर? कोई यहाँ कोई समय सीमा नहीं है, और थोक विक्रेता के लिए है समय निर्धारित 11 बजे तक, हमारे लिए कोई परेशानी नहीं। पुलिस किस तरह से परेशान कर रही है आपको? पुलिस परेशानी यही कर रहे हैं कि आदमी का झुंड बना के एक जगह न मत रहो और कहीं गली में जाके घूम के बेचो, यही परेशानी है और कुछ नहीं। हम लोग मंडी छोड़ के कहीं गए ना अब तक। कोरोना महामारी से जहां हर वर्ग आर्थिक तंगी से जूझ रहा है, तो वहीं रेहड़ी पटरी वालों को इस कोरोना महामारी में रोजी रोटी का संकट सताने लगा है। उन्हें 2 जून की रोटी जुटाने में भी कड़ी मशक्कत और पुलिस की लाठियां खानी पड़ रही हैं, क्योंकि जिला प्रशासन ने फल सब्जियों और किराना के थोक विक्रेताओं के लिए तो समय सीमा और जगह निर्धारित की हुई है, लेकिन रेहड़ी पटरी वालों के लिए ना कोई जगह है ना कोई समय सीमा, जिसके चलते उन्हें पुलिस द्वारा लाठियां खाकर 2 जून की रोटी जुटानी पड़ रही है। फरीदाबाद से मनोज सूर्यवंशी की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं सत्य खबर, सत्य सटीक बेबाक।